ओम अज्ञान्तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंध दीनबंध जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतर पंगर मम मंद मतर्गति मत सर्वस्व पदां भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। श्रीमद् भागवतम स्कंध 7 अध्याय 4 श्लोक 38 7 4 38। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आसीन पर्यटन अश्नान शयान प्रविवन ब्रुवन न अनुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभितः। आसीन पर्यटन अश्नान शयान प्रविवन ब्रुवन नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभितः। आसीन पर्यटन अश्नान शयान प्रविवन ब्रुवन
नानुसंधत्तेतानि गोविंद परिरंभितः आसीनः पर्यटनस्नन् शयानः प्रविवन् ब्रुवन् नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभितः आसीनः बैठते पर्यटन घूमते अस्नन खाते शयानः सोते प्रविवन पीते ब्रुवन बोलते न नहीं अनुसंधत्ते जान पाया एतानि ये गोविंद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा जो इंद्रियों को जगाने वाले हैं परिरंभितः आलिंगित होकर अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। प्रहलाद महाराज सदैव कृष्ण के विचारों में डूबे रहते थे। इस प्रकार भगवान द्वारा आलिंगित होने से उन्हें यह भी पता नहीं चल पाता था कि उनकी शारीरिक आवश्यकताएं यथा बैठना चलना खाना सोना पीना तथा बोलना किस तरह स्वतः संपन्न हो जाया करती थी। तात्पर्य, एक छोटा सा बालक अपने माता द्वारा लालन पालन किए जाने पर यह नहीं जान पाता है कि किस तरह खाने सोने लेटने मल मूत्र विसर्जन जैसी शरीर की आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं। वह केवल अपनी माता के गोद में पड़े रहने से संतुष्ट रहता है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज एक छोटे से बालक के तुल्य थे जिनकी देखरेख गोविंद द्वारा की जा रही थी। उनके शरीर के आवश्यक कार्यकलाप अनजाने ही संपन्न हो रहे थे। जिस प्रकार माता पिता अपने बालक की देख रेख करते हैं, उसी प्रकार गोविंद के विचारों में मग्न प्रहलाद महाराज की रक्षा गोविंद करते थे। यही कृष्ण भावनामृत है। प्रहलाद महाराज कृष्ण भावनामृत की पूर्ण सिद्धि के जीवंत उदाहरण हैं।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग प्रहलाद महाराज के गुणों पर विचार कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज के अनेक गुण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गुण कह रहे हैं कि वासुदेव भगवती जस्य नैसर्ग की रति। भगवान वासुदेव में प्रहलाद महाराज के जन्म से ही रति है। उनका मन का आवेश भगवान में प्रारंभ से ही है। अब इसके लक्षण को बतलाते हुए कह रहे हैं कि न्यस्त क्रीडन को बालो। प्रहलाद महाराज अभी बालक हैं, कम उम्र के हैं। बालकों की प्रवृत्ति देखी जाती है कि वे खेल में बहुत रुचि रखते हैं। थोड़ा सा अवसर आता है तो खेलने के लिए भाग जाते हैं, खेल के सामग्री को, खेल के साधन को इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि बाल, यद्यपि वे बालक हैं लेकिन न्यस्त क्रीडन कह, किसी भी खेल के साधन को हाथ में लिए ही नहीं, उसका त्याग कर दिए थे। और जडवत तन मनस्तया, प्रहलाद महाराज का मन कृष्ण में इतना तन्मय था कि बाहर से वे बिल्कुल पागल जैसा लगते थे, पागलों जैसा व्यवहार था। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, इसका कारण था कि मानो कृष्ण ही ग्रह हैं और उनका आवेश हो गया। लोक में हम लोग देखते हैं कि किसी ग्रह की दृष्टि वक्र हो जाती है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व समान नहीं रह पाता है। कोई लड़का का व्यवहार कुछ बदल गया तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं कि ग्रह दशा ठीक नहीं चल रहा। आज भी ऐसा देखा जाता है, कितने बालक तो नहीं युवक यहाँ वृंदावन में हैं कि अच्छा अच्छा नौकरी का त्याग कर दिए। नौकरी का त्याग कर दिए और कितने माता पिता हैं कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, भाई अच्छा कार्य कर रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है। कितने माता पिता बड़ा गौरव अनुभव करते हैं कि मोक्ष के लिए सब त्याग दिया तो इसमें क्या क्षति, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कितने माता पिता हैं कि ये क्या कर दिया, अरे नौकरी पाना कितना कठिन है, नौकरी त्याग कर दिया तो इस पर वे कैलकुलेट कर लेते हैं कि दिमाग उसका ठीक काम नहीं कर रहा है, ये निर्णय इसका ठीक नहीं है तो भाई क्यों गलत निर्णय ले रहा है, तो अब कोई ग्रह का प्रकोप है, अब रोज झाड़ फूंक पूजा पाठ चलता रहता है। वे लोग बड़ा ही व्यग्र हैं कि आखिर कैसे लड़के का दिमाग ठीक होगा। तो ग्रह किसी पर लग जाता है, ग्रह का आवेश हो जाता है, प्रेत का आवेश हो जाता है, तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाती है।
प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, एक कृष्ण ही ग्रह के समान है और उन्हीं का आवेश है उनके मन पर। या जैसा कल हम लोग सुने कि सीधा सा अर्थ है कि आत्मा, आत्मा का अर्थ है मन, वो आत्मा कृष्ण के लिए एक लोभ्य वस्तु है, लोभ का विषय है। देखते हैं कि किसी को पकड़ना है, अपने चंगुल में लेना है, तो व्यक्ति उसके लिए जो लोभ का विषय है उस समक्ष कर देता है। जैसे मछली किसी को पकड़ना है तो बंसी में कुछ केंचुआ या आटा कुछ डाल देते हैं, अब उसको पकड़ने में मछली फंस जाती है। और जैसे मछली के लिए केंचुआ या लो आटा वो लोभ का विषय है, तो वैसे ही कृष्ण के लिए प्रहलाद का आत्मा, आत्मा मतलब मन, लोभ का विषय है। कृष्ण प्रहलाद के मन के तरफ लुप्त है और इसको गृहित ग्रहण कर लिए, इसको पकड़ लिए। अब जब मन को ही कृष्ण पकड़ लिए तो कह रहे हैं कि न वेद जगदीदृशम, तो अब जगत का व्यवहार है और इसका अनुसंधान ही नहीं है। देखिए इस बात को आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि मन का सहकारिता बिल्कुल आवश्यक है। कई एक बार ऐसा देखा जाता है कि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, अब बातचीत करने में उनका मन बिल्कुल अभिनिविष्ट है उसी विषय में जिस पर चर्चा कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं आपस में और इतना अभिनिविष्ट है कि आंख को इतना तो पता चलता है कि कोई इधर से गया, वो चला गया। इसके बाद वो पूछते हैं कौन व्यक्ति गया, अब ये पहचान नहीं पाए, आंख से जरूर देखे लेकिन पहचान नहीं पाए। उसका कारण यह है कि मन की सहकारिता नहीं प्राप्त हुई। इंद्रियों को जब तक मन का सहयोग नहीं मिलता है तब तक वो विषय को ग्रहण नहीं कर पाते। तो प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि कृष्ण ही उनके मन को ग्रहण कर लिए और इसलिए न वेद जगदीदृशम। वो पहले से तो अच्छा नहीं कर पाए, हाँ आवाज लेकिन विकृत भी हो रहा है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम, जगत में क्या हलचल है तो उधर ध्यान ही नहीं जाता। और जिसके मन में कृष्ण बस गए हैं, उनका चित्त कृष्ण के भाव से आक्रांत है, तो उनको सब जगह कृष्ण की स्फूर्ति होती है। अरे कृष्ण के आवेश की बात तो दूर है, कोई भौतिक आवेश भी हो जाता है तो व्यक्ति संसार को वैसा ही देखता है। जिसके मन में बहुत धन की कामना है, चित्त पर धन ही छा गया है, वो तो जिधर भी जाएगा उधर धन की अपॉर्चुनिटी देखता रहता है कि यहाँ कमाने का क्या अवसर हो सकता है। जिसके मन में स्त्री भर गई है तो सब जगह
वो भोग के ही तलाश में रहता है। और उसी प्रकार जिस व्यक्ति के हृदय में कृष्ण का आवेश है, तो बाहर हर व्यक्ति में वे कृष्ण का दर्शन करते हैं, सब जगह कृष्ण की स्फुरणा होती है। तो प्रहलाद महाराज की यही स्थिति थी, वे संसार के सामान्य जो व्यवहार है इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इसी को और स्पष्ट कर रहे हैं कि आसीन पर्यटन स्नान शयान प्रविवन ब्रुवन, प्रहलाद महाराज के क्रियाएं चल रही थी। वे बैठते थे, कभी कभी घूमते भी थे, भोजन करते थे, लेटते थे, पीते थे या बात भी करते थे, लेकिन नानुसंधत एतानि, इसका उनको अनुसंधान नहीं रहता था, पता नहीं चलता था। इसके पीछे कारण क्या है, कह रहे कि गोविंद परिरंभित, क्योंकि वे गोविंद के द्वारा आलिंगित थे। फिर प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई शिशु है, 1 साल का 1.5 साल का बच्चा है, और उसको भी दूध पिलाया जाता है, दूध पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, कभी कभी कुछ खिलाते भी हैं, खेलने का सामान देते हैं, लेकिन वो माँ के गोद में है और उसको यह कुछ ज्ञान नहीं होता है कि दूध कहाँ से आया, कहाँ गर्म किया गया, कैसे बोतल में डाला गया, उधर कभी उसका ध्यान भी नहीं जाता। वो तो बस माँ के गोद में है तो आनंद में रहता है, हंसता रहता है। तो जैसे छोटा सा बच्चा माँ के गोद में रहता है तो बस माँ के गोद में है, इसी से संतुष्ट है, उसका जो संसाधन है, कैसे उसका बेड बदला जा रहा है, कहाँ से उसके लिए कपड़े आ रहे हैं, और इसको वह नहीं जानता। वो कह रहे हैं कि यही स्थिति प्रहलाद महाराज की थी, क्योंकि वे भगवान के गोद में थे, भगवान उनको अपने गोद में रखते थे। कई एक बार हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, उसे पर्वत के ऊपर से उनको ढकेला जाता था, बहुत ऊपर चोटी से, ऊंचे चोटी से, लेकिन नीचे गिरने पर प्रहलाद महाराज को यही अनुभव होता था कि कोई हमको गोद में रोक लिया, बल्कि उनको एक आनंद का विषय था, जैसे बच्चे को से उत्तोलन कीजिए और उनको कोई भय ना हो, तो उसी में वे आनंद लेते हैं। तो प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि कई एक क्रियाएं चल रही थी, लेकिन उसका अनुसंधान नहीं था, उस पर उनका ध्यान नहीं था। वे बच्चे के समान आनंदित थे, जैसे कोई छोटा सा बच्चा है और माँ के गोद में तो हंसता रहता है। तो कह रहे हैं कि क्वचेद रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतन, कोई छोटा सा बच्चा है, माँ गोद में रखी है, तब तो हंसता रहता है, किलकारी मारता है, लेकिन जैं ही माँ उसको बेड पर रखती है या जमीन पर रख दी और थोड़ा सा दूर गई तो रोना प्रारंभ कर देता है। छोटा बच्चा है लेकिन उसको पता चल जाता है कि माँ दूर चली गई, तो क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतन, और ठीक यही स्थिति प्रहलाद महाराज की थी। वे
भावना में ही कभी कभी ऐसा अनुभव करते थे कि कृष्ण हमसे दूर जा रहे हैं, और यह भाव आते ही तो रुदती वे रोने लगते थे। ये टोटल भाव स्तर की बात है। कृष्ण प्रहलाद महाराज के मन में ऐसा भाव उदित हुआ कि कृष्ण तो हमसे दूर जा रहे हैं, तो रोना प्रारंभ कर देते थे। और वैकुंठ चिंता सबल चेतना, क्योंकि बहुत कष्ट अनुभव करने लगते थे। क्वचित हसति तच्चिंता हलाद उद्गायति क्वचित, अब रो रहे हैं तब तक उनको ऐसी अनुभूति हो रही है कि कृष्ण कह रहे हैं कि अरे ये क्षण भर के वियोग को नहीं सह सकता, अभी कहीं मैं दूर गया हूं, अभी तुमको रखा और अभी तुम रोना प्रारंभ कर दिया, अब तो कृष्ण की बात को सुन करके रहे कि हसती। अब उनको यह पता चल गया कि कृष्ण नजदीक आ रहे हैं तो हंसने लगते थे। और तच्चिंता हलाद उद्गायति क्वचित, अब कृष्ण नजदीक आ गए, उनसे बात कर रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं, तो उनको इतना आनंद होता था भगवान की बात सुन करके, उनके सानिध्य का अनुभव करके, कि उद्गायति वे जोर से गाने लगते थे, ऊंचे स्वर से वे गाने लगते थे। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये सब भाव स्तर की बातें हैं। प्रहलाद महाराज कृष्ण भावनामृत में रति स्तर को प्राप्त किए, भाव स्तर के हैं, भाव स्तर पर है, प्रेम में है, तो विविध प्रकार के भाव उदित हो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु इन भावों का आस्वादन किए हैं। और श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये लक्षण भाव कहलाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्त के इन भावों का पूर्ण वर्णन किया गया। ये भाव पूर्ण भक्त के कार्यकलाप में दृष्टिगोचर होते रहते हैं। और विविध प्रकार के भाव हैं, भाव का विभाजन किया गया है। भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि में इसका विस्तार से वर्णन किया गया। कई एक भक्तों का बहुत दिन से आग्रह है कि भाव पर भी कुछ चर्चा होनी चाहिए, यदि कोई व्यवधान नहीं आया तो इसी स्थान पर 4 मार्च से भाव क्या है, भाव साबल्य क्या है, सांकर्य क्या है, और उसकी चर्चा हम लोग सुनेंगे। तो प्रहलाद महाराज नदति क्वचित उत्कंठो, अब कृष्ण के प्रति इतनी उनकी उत्कंठा है कि कभी जोर जोर से पुकारने लगते थे कृष्ण 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 ऐसे नाम लेकर के। और विलज्जो नृत्यति क्वचित, और कभी कभी वे नाचने लगते थे, कोई संकोच नहीं। असुर समाज में है लेकिन कोई संकोच नहीं है, लज्जा का त्याग करके नाचने लगते थे। और क्वचित तद भावना युक्त तन्मयो नुचकार, और कभी कभी कृष्ण की भावना इतनी गाढ़ हो जाती थी कि उसी में तन्मय हो जाते थे, अपने को भूल जाते थे और कृष्ण का ही अनुकरण करने लगते थे। कृष्ण का जो क्रियाकलाप है तो वह प्रहलाद के शरीर में आ जाता था, प्रहलाद उसका अनुकरण करने लगते थे। सब पहले से भूले हुए हैं। देखिए कृष्ण का भाव जब चित्त पर चढ़ता है तो उसका कुछ अनुभव आता है,
अब चित्त प्रभावित हो करके जो शरीर के तत्व हैं, जल, मिट्टी, वायु, अग्नि, तो इसको वो प्रभावित करने लगता है। तो जिस तत्व पर जितना प्रभाव पड़ता है उसके अनुरूप अब शरीर में भी विकार आने लगता है। तो हम लोग तो जहाँ तक भाव की बात है तो यह पढ़ते हैं कि चित्त पर इसका प्रभाव आता है, अनुभव शरीर पर दिखता है, लेकिन गोपियों के विषय में कहा गया है कि प्रतिरूढ़ मूर्तय। गोपियों से जब कृष्ण अलग हुए तो उनके चित्त पर ही कृष्ण का आवेश नहीं था, वो आवेश उनके शरीर पर भी हो गया, इतना गाढ़ आवेश था, प्रतिरूढ़ मूर्तय, वे शरीर पर चढ़ गया। गोपियां प्रायः प्रायः गौर वर्ण की हैं, लेकिन कृष्ण का आवेश इतना अधिक हुआ कि उनके शरीर का रंग बदल गया। प्रतिरूढ़ मूर्तय का एक अर्थ यह किया गया, क्यों भाव शरीर पर भी वो आविष्ट हो गया। जो हो प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि तन्मयो नुचकार, इतना तन्मय हो गए कि कृष्ण का ही अनुकरण करने लगे। और क्वचित उत्पलकश क्वचित दुत्पुलकश तूष्णिम आस्ते संस्पर्श निर्वृत अस्पंद प्रणयानंद सलीला मिलित क्षण। वो कभी कभी नृत्य करते थे और कभी कभी कृष्ण का अनुकरण करते थे, और कह रहे हैं कि कभी कभी कृष्ण के स्पर्श का इतना आनंद अनुभव करते थे कि तुष्णिम बिल्कुल चुप, आनंद का अनुभव कर रहे हैं तो यह तो स्पष्ट पता चल जाता था कि उत्पुलक रोमांच हो रहा है, रोए खड़े हो गए। हम किसी भावना में आनंदित होते हैं या बहुत दुखी होते हैं तो देखा जाता है कि रोमा खड़ा हो जाता है थोड़े देर के लिए, लेकिन जो कृष्ण भावना में भावित हैं, कृष्ण के भावना में उनका मन डूबा हुआ है, तो उनके रोमे वैसे खड़े हो जाते हैं जैसे कटहल फल का काटा होता है। कटहल फल देखे है ना, तो वैसे उनका रोमा खड़ा हो जाता है। वो प्रहलाद महाराज का वर्णन कर रहे हैं कि क्वचित उत्पुलकश तूष्णिम आस्ते संस्पर्श निर्वृत, वे भगवान के स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं, संस्पर्श निर्वृत, तो चित्त पर भाव रूप से उनका स्पर्श का अनुभव है, या कभी कभी और कृष्ण उनके हृदय में स्फुरित हो रहे हैं, तो प्रहलाद महाराज प्रकट अपने हाथ से भी उनको स्पर्श करने का प्रयास करते थे। और कृष्ण को जब अपने हाथ में पकड़ रहे हैं मन ही मन, तो उनको इतना आनंद की अनुभूति हो रही है कि रोमांच हो जाता है, और तुष्णिम चुपचाप कहने के स्पंद प्रणयानंद निमिल निम प्रणन सलीला मिलित क्षण। स्पंद सलीलानंद, स्पंद प्रणयानंद, देखिए प्रणय प्रेम को कहते हैं। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि प्रेम का उद्रेक आता है, थोड़े देर तक आया और इसके बाद शिथिल हो जाता है, लेकिन प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि स्पंद प्रणयानंद। प्रहलाद महाराज जो प्रेम के आनंद का अनुभव कर रहे हैं तो स्पंद, इसमें गिरावट नहीं है, इसमें हलचल नहीं है, एकदम स्थिर आनंद का अनुभव है इनका। तो बहुत इससे उनको सुख की प्राप्ति होती थी, और सुख के अनुभूति में तुष्णिम बिल्कुल चुप, अब कुछ बोलते नहीं थे, पुकारते नहीं थे, चुप हैं, लेकिन
उस आनंद का अनुभव आ रहा है, सलिला मिलित क्षण, उनके आंख आधे बंद हैं आधे खुले हैं, लेकिन उससे अनवरत अश्रु विसर्जित हो रहे हैं। इतना स्पर्श का आनंद है कि उसके परिणाम स्वरूप उनके आंखों से अश्रु बह रहे हैं। प्रहलाद महाराज के व्यक्तित्व को दिखा रहे हैं कि उनके आंखों से अश्रु बह रहे हैं। कृष्ण भावना मृत्यु में यह बहुत शुभ लक्षण है, आंखों से अश्रु विसर्जित हो रहे हैं तो बहुत शुभ लक्षण है। और वास्तव में यह तो परिणाम है, प्रेम होने पर ऐसा होता ही है, लेकिन यह स्पृहा का भी विषय है, साधना भी है। भक्ति का ऐसा स्वरूप है कि यहाँ रोना भी बहुत सुखद है। वृंदावन में अब जिसको कभी कभी रोने का अवसर आ जाता है, और वही व्यक्ति अब इसका अनुभव कर पाता है कि रोने में क्या शीतलता है। अरे जगत में सबसे बुरी स्थिति है रोना, आदमी कष्ट में पड़ता है तो रोता है, लेकिन केवल कष्ट में ही रोना नहीं है। जो भक्ति के क्षेत्र में है तो रोने का अवसर आ गया तो बहुत शांति अनुभव करते हैं, बहुत शीतलता का अनुभव करते हैं। और वास्तव में भगवान के प्राप्ति के लिए यह बहुत भारी साधन है। जब तक व्यक्ति रो नहीं रहा है और उसकी अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। एक भक्त हुए हैं कबीरदास, यद्यपि उनके विषय में कई एक बातें प्रचलित हैं और कंट्रोवर्शियल फिगर हैं, लेकिन फिर भी वे कह रहे हैं कि कबीरा हंसना दूर कर रोने से कर प्रीत। कबीरदास कह रहे हैं कि जो इंटरटेनमेंट के फेरे में पड़े हो, हंसी के फेरे में, इसको दूर करो। कबीरा हंसना दूर कर रोने से कर प्रीत, अब रोने से ही तुम प्रेम करो। बिन रोये क्यों पाई है प्रेम प्यारा मीत। कह रहे हैं कि जब तक रोवोगे नहीं तब तक प्रेम रूप प्रिय मित्र को क्या प्राप्त कर लोगे। और जब तक रोने की स्थिति नहीं आ रही है तब तक प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। और इसी से ये तो भक्तों का स्पृहा है कि कब ऐसा दिन आएगा कि हमारे आंखों से अश्रु बहेंगे, कृष्ण का नाम बोलने से हम विरह का अनुभव करेंगे, कृष्ण के विरह का अनुभव करेंगे और आंखों से अश्रु बहेंगे। तो बिन रोये क्यों पाइए प्रेम प्यारा मीत, बिना रोये व्यक्ति नहीं पाता। और कबीर दास भी भक्तों की महिमा देख करके रोने लगे। महाराष्ट्र में एक भक्त हुई हैं जानाबाई, उनका नाम है। अब थोड़ा स्टोरी इधर उधर भी हो सकता है, आप लोग उसको ठीक रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। तो वह भगवान से बहुत स्नेह करती थी और भगवान ने ही उसको अंगीकार कर लिए, लेकिन वह बहुत गरीब परिवार से थी। ओ, उसके माता पिता तो भगवान के चरणों में छोड़ दिए, लेकिन एक संत अपने घर में लाए। तो संत तो अपने घर में लाए, वो लाने तक तो अब वे ला दिए, लेकिन घर में तब संत महोदय का नहीं चलेगा, संताइन महोदय का चल महोदया का चलेगा ना। अब कोई स्त्री है तो घर वाली के अंडर में रहती थी,
तो वो अपना नियम रखे थे कि हमेशा भगवान का नाम बोलती थी, विट्ठल 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 हमेशा बोलती रहती थी और सब काम करती थी। देखिए अब इस भगवान से उसका इतना संबंध बढ़ गया था कि कभी कभी जाता चलाते समय थक जाती थी तो भगवान खुद ही आकर के जाता चला देते थे। जाता समझ रहे हैं, आटा पीसने के लिए चक्की होता है जो हाथ से चलाते हैं, तो उसमें परिश्रम लगता है, हाथ फटने लगता है। लेकिन अब तो दूसरे के घर में थी तो आटा पीसना है, चक्की चलाना है, और कभी कभी थक जाती थी। एक दिन ऐसी घटना हुई कि थक गई, अब थक गई, अब हाथ काम ही नहीं कर रहा था तो थोड़ा विश्राम करने लगी, थकी थी, नींद लग गई। लेकिन भय तो था कि डांट पड़ेगी, काम पूरा नहीं होगा, जितना गेहूँ दिया गया है पीसने के लिए तो उतना तो पीसना पड़ेगा ना। तो भगवान आ करके और जाता चला करके पीस दिए, ऐसा संबंध था। वो भगवान से वो डायरेक्ट बातचीत करती थी। अब ये बात फैलने लगे कि जाना भाई तो भगवान से ही बात करती है। अब कबीर दास भी महाराष्ट्र टूर पर गए होंगे, दर्शन करने के लिए उधर गए थे, जब पंढरपुर गए तो उनको पता चला कि जाना भाई यहीं रहती है, तो वो पता पूछे कि वो किधर रहती है, हम भी थोड़ा मिल लें। वो पता करके वे गए, लोग बतलाए कि उधर वो गोईठा बिटोरने गई है, क्या इधर कहते हैं कंडा भाई, कंडा पहले बनाते हैं, सूखने के बाद उसको कलेक्ट करना पड़ता है। और अब गांव की स्थिति है कि वहाँ एक जगह पर ही कई एक लोग कंडा बनाते हैं, कोई ग्राम सभा की जमीन है तो वहाँ कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा बंटवारा नहीं है, कुछ हिस्सा में एक परिवार है वो कंडा बना रहा है, एक हिस्सा में दूसरा बना रहा है। और कबीर दास को पता चला कि वह कंडा वो बिटोरने के लिए गई है, कलेक्ट करने के लिए गई है, तो उधर ही चले गए। अब उधर गए तो दो स्त्री खूब झगड़ा कर रही है। अब स्त्रियां झगड़ा करती हैं तो गाली भी उसमें आता ही है, एकदम निम्न स्तर का लैंग्वेज। और वो दो स्त्रियों में चल रहा है झगड़ा। अब कबीर दास वहाँ गए, उनको तो जाना भाई से मिलना था, किसी से पूछे होंगे कि इधर, अरे वही है वही, अब तो यही भगवान से बात करती, इतना गाल झगड़ा कर रही है अपने पड़ोसन से, अब तो कि ना ना ऐसा कैसे हो सकता है, जो इतना कठोर बोल रही है, इतना बढ़ करके बोल रही है, ये भगवान से कैसे बात करती है। लेकिन अब तो गए थे वहीं, अब वो झगड़ा उन्हीं तक आ गया कि बाबा देखिए ये हमारा गोईठा चुरा ली है, अपने गहरौर में गांज दी, गोईठा पाथ रहे हैं तो प्राय एक हल्का रास्ता का आवरण होता है, कहीं कहीं रास्ता का भी नहीं, वो आज भी देखा जाता है कि जब उसको उलाटे और फिर इसको रखना हुआ तो दूसरे का भी दो चार चिपरी रख देते हैं, तो चलता ही है। तो जाना भाई का जो गोईठा था, चिपरी था, सूख गया था, उसको कोई दूसरा रख दे, और ये क्लेम कर रही थी कि हमारा है। अब वो सोच रही थी कि कह देंगे कि तुम्हारा लिया हूं तो बेचती होगी ना, तो अड़ गई कि नहीं तुम्हारा नहीं है। अब इनको था कि नहीं हमारा है। अभी एक प्रश्न होगा कि गोईठा के लिए काहे को झगड़ा कर रही थी, लेकिन उसके मन में था कि इसी गोईठा से तो ठाकुर जी की रसोई बनती है,
ये तो भगवान के सेवा में उपयोग होगा, और इसलिए बहुत डांट रहे कि तू हमारा गोईठा ले लियो, हमको दो, हमको दो। अब दोनों के लड़ाई को देख करके कबीरदास खुद इंटरफेयर किए। वो इतना क्लेम कर रहे थे, उसको कहे कि आखिर इतना क्लेम कर रही हो, तुम्हारे गोईठा का कुछ पहचान है, कैसे पता किया जाए कि तुम्हारे गोईठा को ये ली है, तुम्हारी चिपरी को ये अपने जगह रख ली है। तो जाना भाई कहे कि हाँ पहचान है, हमारे गोईठा पहचान लिए जाएंगे। तो कैसे पहचान लिए जाएंगे, कुछ बतलाओ, कुछ लक्षण बतलाओ। तो जाना भाई कहे कि हमारे गोईठा को, हमारे चिपरी को कान के नज़दीक ले जाने पर बिठल बिठल की आवाज़ आएगी। और कबीर दास, अब पहले तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये भी हो सकता है, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे, झगड़ा था ही, तो अब थोड़ा टेस्ट करने में क्या है। जब कबीर दास अपने कान के नज़दीक ले गए तो गोईठा से बिठल बिठल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब तो अपने भावना पर बड़ा क्षुब्ध हुए कि हम क्या क्या इसके विषय में सोच गए थे। अपने कान से जब गोईठा से आवाज़ सुने तो खुद रोने लगे। देखिए भक्ति की महिमा है, भक्ति का प्रभाव आता है। और गोईठा से आवाज आ रहा था, और केवल गोईठा से ही आवाज नहीं है, और जगह से आवाज आती है। महाराष्ट्र के ही संत हैं तुकाराम जी, और तुकाराम जी वो सन्यासी नहीं है, गृहस्थ हैं, उनका विवाह हुआ था, और पत्नी बहुत कर्कश स्वभाव की थी। अभी पति पत्नी का ऐसा संबंध है कि डांट फटकार चलता रहता है, दोनों तरफ से चलता है। वो पति महोदय है तो समाज में भले ही डांट फटकार कर दें, एकांत में तो ज्यादा डांट फटकार उधर से ही आता है, ये बिल्कुल प्रकट बात है। अब एक घटना का स्मरण हो रहा है, हम संन्यास से मिशन पर गुजरात में थे, मिनिस्ट्री की तरफ से भेजे गए थे, तो वहाँ सेंटर के बगल में ही एक भक्त स्कूल चलाते, वहीं प्रोग्राम था, परम पूज्य लोकनाथ महाराज भी वहीं गए थे, वही चीफ है, गेस्ट थे, उन्हीं को कीर्तन करना था, और प्रेसिडेंट हमको भी लेकर के गया। तो जो स्कूल चलाने वाले दंपति हैं, खूब अच्छा स्वागत किए, और दोनों वृद्ध हैं, वृंदावन भी आते हैं तो महीनों महीना रुकते हैं, मैं तो उनको माता पिता जैसा ही मानता हूँ, और वे लोग भी हमको बहुत स्नेह करते हैं। तो प्रोग्राम चल रहा था, और उसी प्रोग्राम में वो पत्नी अपने पति को बहुत डांट दी। अब तो सबका उधर ध्यान गया, पति महोदय भी ऐसा अनुभव करने लगे कि सबका तो ध्यान इधर आ गया, तो अपने से कहने लगे, आप लोग है इस पर ध्यान मत दीजिए, ये दो चक्का ऐसे ही चलता है, और ये तो 40-50 साल का बात है, कोई नई बात नहीं है, हाँ ऐसे ही चलता है, मुँह के लिए कोई नहीं, ऐसे ही चलता है, तो चलता है ऐसे। और तुकाराम की पत्नी बहुत कर्कशा थी, अब डांट फटकार करते तो उसका कारण भी था कि कुछ काम हम करते नहीं थे। अब खेत पर जाते थे तो काम करने की बात तो दूर है, और खेत में जो फसल है, फल है, वो भी बच्चों को दे देते थे, तो डांट फटकार करती थी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि पत्नी डांट फटकार करें या कुछ भी करें, पति का ख्याल रखती है। अब तुकाराम जी के विषय में तो एक एक से घटना है, उस पति पत्नी के विषय में उसको कहने का समय नहीं है, लेकिन कम से कम एक घटना आप जान लीजिए कि एक बार
वो गए गन्ना लाने के लिए, और पिड़िया का दिन हो या जो रस निकालना था, पिड़िया को तो बनाते हैं ना, बिधर क्या होता है पता नहीं, वो गन्ना के जूस में खीर बनाते हैं, और उनकी पत्नी भेजी कि जा करके गन्ना लाइए, ऊख लाइए। तो गए खेत से, काटे ऊख छील उल करके, एक बोझा ले करके चले। अब एक बोझा ऊख ले करके चले, अब तो बच्चे देख रहे हैं कि ऊख है, तो बाबा एक हमको दे दीजिए। तो एक बच्चे को दिए, दूसरा मांगा, दूसरे को दिए, ऐसे अब रास्ते में आते आते उनका एक बोझा ऊख खत्म। अब एक ऊख ले करके अब पहुंचे, अब तो उसको इतना गुस्सा आया कि ऊख उठाई और उसी से मार दी, उनके सर पर मारी ओख दो टुकड़ा। और तुकाराम को कोई क्षोभ नहीं, चलो ठीक ही हो गया, अब तोड़ना नहीं पड़ेगा, एक तू लो हम ले लेते हैं, अब रस कहाँ निकलेगा, वो मिल में कहाँ जाएगा दांत से रस निकाल। तुकाराम की पत्नी बहुत कर्कशा थी, लेकिन पतिव्रता थी, वो अपना नियम रखी थी कि बिना पति को खिलाए भोजन नहीं करती थी। और पति महोदय तो जप करने किधर निकल गए किधर निकल गए, वो कभी कभी उसको बहुत देर हो जाती थी। और जो झगड़ा अपने जगह है, मंत्रणा भी तो रोज चलता है, रोज झगड़ा है रोज मंत्रणा है। अब जब एक साथ फिर हुए तो उनकी पत्नी कही कि तू तो मरते बड़ा कही लगना हमारा कहीं मुआ बताड़ा। अरे भाई आप इतना देर करते हैं, अब आपको खोजने में हमको बहुत समय लगता है, तो अपना स्थान बतला करके जाइए कि अब किधर जाएंगे भजन के लिए, उधर ही मैं भोजन पहुंचा दूंगी। वो कहे कि ठीक है तुम भोजन पहुंचा देना, अरे तुमको अंदाज है ही है ना कि किधर जाता हूँ, उधर भोजन पहुंचा देना। लेकिन कहे कि ना, कभी कभी समस्या आ जाती है कि मान लीजिए कि रास्ता दो तरफ मुड़ा है, तो अब किधर गए हैं पता नहीं चलता है, इधर से जा रहे हैं तो कभी कभी दो डायरेक्शन हो गया, दोनों में संभावना है कि इधर भी जा करके जप कर रहे होंगे या इधर जा करके, तो हमको पता नहीं चलता, कभी कभी उसमें जा करके लौटना पड़ता है। तो तुकाराम कहे कि ना, यह कोई समस्या नहीं है, जहाँ तुमको दो रास्ता आ जाए तो थोड़ा दोनों तरफ कान लगा करके सुन लो, और जिधर से राम राम की आवाज़ आ रही है तो उधर से अनुमान कर लो कि मैं उधर हूँ। तो तुकाराम का यह प्रभाव था, जिधर थे तो रास्ते में कान लगाने से उनके पत्नी को वो राम राम की आवाज़ सुनाई दे देती थी, और उसके आधार पर वो भोजन ले जा करके दे देती थी। वो भक्ति का एक प्रताप है, और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान का भी विचित्र व्यवहार होता है। जानाबाई के लिए वे जाता चला देते थे, जानाबाई उससे बात करती थी, भगवान से बात करती थी डायरेक्ट। भगवान अपने सेवकों का ख्याल रखते हैं, और जो श्रद्धा पूर्वक सेवा करता है वो उसको वे बहुत आस्वादन करते हैं, उसके प्रति उनका लोभ होता है। आप मदन मोहन जी का दर्शन करते हैं, और मदन मोहन जी यहाँ से गए काम बन रहे, और कुछ परिस्थिति के कारण वे अभी क्या नाम है जहाँ आए करौली, करौली में चले गए। जब करौली में मदन मोहन जी गए तो क्षेत्रवासी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान आ गए हमारे क्षेत्र में, तो सब लोग उनके सेवा का अवसर ढूंढने लगे। भाई भगवान की सेवा करनी है तो सब लोग अपना अपना सेवा बांट लिए, जिसकी जो क्षमता थी जो संसाधन था,
तो उसके अनुरूप मदन मोहन जी की सेवा करने लगे, सेवा बंट गई। तो गांव के बगल में दूसरे गांव में एक ग्वालिन थी, तो वह दूध बेचती थी। तो वह भी मदन मोहन जी की सेवा ले लेके हम मदन मोहन जी को दूध दूंगी। वो मदन मोहन जी के मंदिर है और उसके गांव के बीच में नदी था, तो अपने गांव से चलती थी दूध ले करके, और उसको दूध बेचना है। अब दूध उत्पादन में इतना खर्च है कि अब उस हिसाब से उसका पैसा देते नहीं है, तो थोड़ा पानी मिला देती थी। अब उसको परिवार चलाना है, वही बस वृत्ति थी। तो नदी में आती थी, पानी मिलाती थी, दूध लेकर के जाती थी, लेकिन सबसे पहले मदन मोहन जी को देती थी। उसका अपना लोटिया है, मंदिर में जा करके पहले उनको दूध देती थी और इसके बाद दूध अपना बेचती थी, लौट आती थी। अब एक दिन की बात है कि वह नदी को पार कर रहे थे और पानी डाल रही थी अंजलि से अपने बर्तन में, दूध में, और ध्यान नहीं दी, उसी में एक सिधरी सिधरी मतलब छोटी सी मछली, वो अंजलि में आई और पानी में डाल दी, दूध में डाल दी। अब वो ध्यान नहीं दी और वही दूध ले करके जैसा रोज का नियम था वैसे एक लुटिया मदन मोहन जी को दी, एक लुटिया दो लुटिया जो देती हो, और उसी में मछली आ गई। जो ठाकुर जी के लिए दूध दिया गया तो मछली, अब मछली देख करके तो पुजारी बहुत गुस्सा हुए कि ये तू क्या कर दी, बहुत डांटे उसको और कह दिए कि अरे अरे तुम दूध देने लायक हो, इतना ध्यान नहीं रखती हो, मछली दे दी। उसको बहुत डांटे और कहे कि ना दूध गिरा दिए या जो किए होंगे उसी के बर्तन में डाल दिए। अब तो ग्वालिन बड़ा दुखी हुई कि आज हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाए। अब इतना वो दुखी हुई कि अब काहे को दूध बेचने जाए, सीधे अपने घर आ गई। और घर आने पर दूध वैसे ही रखी और शोक में तो एकदम गिर गई। पूरा दिन निकल गया, संध्या का समय हो गया, और तब तक कोई वहाँ एक साधु आया। साधु आया, आवाज दिया, कौन है वो, आवाज दी, प्रत्युत्तर दी। साधु आए उधर और कहे कि मैया अब इस समय तो रात्रि हो गई, हम यहीं रुकना चाहते हैं। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं थी, वो कह दी कि ठीक है रुक जाइए। अब जब वहाँ रुक गए, आसन रख दिए, तो कह रहे हैं भैया बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अब तो कहे कि बाबा हमारे पास कुछ खाने को नहीं है। वो कहने लगे साधु ना हमको बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वो कहे कि हम आज सुबह से भोजन बनाई ही नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। और फिर कह के हमको बहुत भूख है, कुछ दो। तब वो कहे कि आपको बहुत भूख है तो दूध है बर्तन में, आपको दूध पीना हो, वो भी कांचा दूध है, बहुत भूख है तो दूध पी लीजिए। वो कहे कि ठीक है दूध ही दो, तो दूध पी लिए। अब जब दूध पी लिए, कार्तिक का अंतिम सप्ताह या ऐसे कुछ चल रहा था, तो कहने लगे कि ठीक है क्षुधा की निवृत्ति तो हो गई, लेकिन हमको अब ठंड से बचने के लिए कुछ ओढ़ना दे दो, कुछ ठंड लग रहा है। हाँ वो तो कहने के, बाबा हमारे पास कोई साधु के ओढ़ने लायक वस्त्र नहीं है। अभी साधु को तो ओढ़ने के लिए गृहस्थ लोग नया प्राय देते हैं, हमारे पास कोई चादर नहीं है। अब वो कहने लगे कि ना हमें तो ठंड लग रहा है, कुछ व्यवस्था करो, क्योंकि हमारे पास साधु को ओढ़ने लायक कुछ नहीं है। लेकिन वो साधु इतना आग्रह कर रहे थे तो छुप धो करके कह दी, बहुत ठंडा लग रहा है तो हमारा लुगरी है ओढ़ो,
हमको नहीं कोई दिक्कत है। लुगरी समझ रहे, पुराना एकदम साड़ी को लुगरी कहते हैं। वो कहे कि हमको लुगरा लुगरी से नहीं मतलब है, मेरे को शीत निवारण से मतलब, मेरे को ठंड लग रहा है, जो मिलेगा वही कोढ़ेंगे। ओके कोढ़ो, ऐसे वो क्षुब्ध हो करके झुंझला करके कह दी, तो साधु उसी को ओढ़ करके वहाँ रहा। अब जब भोर का समय हुआ तो साधु वहाँ से चले गए। साधु चले गए तो बुढ़िया देख रही, ग्वालिन देख रही है कि यहाँ ठाकुर जी का वस्त्र पड़ा है। वो तो ठाकुर जी को दूध देती थी, दर्शन करती थी ध्यान से, तो उनके वस्त्र को पहचान रही थी। वो देखी कि तो ठाकुर जी का उत्तरीय यहाँ है। अब तो भरी चिंता में पड़ी कि ये क्या हुआ। और उधर तो साधु गया उधर, अब जहाँ गया हो, अब पुजारी लोग जब मंगला आरती के लिए गए तो ठाकुर जी का उत्तरीय ही नहीं है। और वो देख रहे हैं कि यहाँ एक लुगरी पड़ा हुआ है, तो वे लोग भी तो उसको रोज देखते थे, पुजारी रोज देखते थे, तो उनको अब कुछ संशय होने लगा कि उसी ग्वालिन का लग रहा है। यह तो प्रत्यक्ष पहचान रही थी कि ठाकुर जी का वस्त्र छूट गया, तब कैसे यहाँ आया इस पर न विचार करके जल्दी से चली कि मंदिर में इसको पहुँचा दे, एक बहाना भी मिल गया। और अब तो पुजारी लोग वो पहचान गए कि लुगरी उसी बुढ़िया का, वो उत्तरीय लेकर के भी गई। अब जब वो लोग पूछे कि तुम कहाँ से ठाकुर जी के उत्तरीय पा गई, तो सब घटना बतलाई। तब पुजारियों को यह तो पता चल गया कि भगवान को इसका दूध पसंद है। वो भगवान ही साधु के वेश में गए और उसके दूध को ग्रहण कर लिए। वो तो फिर इसके बाद फिर पुजारी लोग उसके दूध को इलाऊ कर दिए। वो तो भगवान का अद्भुत व्यवहार है। अब प्रहलाद महाराज के विषय में सुने कि रहिता सुरो सुर, यद्यपि उनका जन्म असुर वंश में हुआ था लेकिन आसुर भाव से रहित थे, भगवान के परम भक्त है। उनका अस्तर यह है कि भगवान खुद ही उनके मन का हरण कर लिए, ग्रहण कर लिए, तो वे मन ही मन भगवान के स्पर्श का अनुभव करके इतना आनंदित होते थे कि उनके आँखों से अश्रु बहते रहते थे। हम ये कबीरदास की बात पर ये सब कहने लगा, और कबीरदास कह रहे हैं कि कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोये क्यों पाइए प्रेम प्यारा मित। रोना बहुत सौभाग्य का लक्षण है। देखिए अतीत काल में भी इसका वर्णन मिलता है और वर्तमान काल में भी वर्णन मिलता है। आप मथुरा के स्त्रियों का उद्गार सुनेंगे तो ब्रज की गोपियों की प्रशंसा कर रही। भगवान जब मल्ल युद्ध के लिए गए तो उनको बड़े बड़े पहलवान से भिड़ा दिया गया। अब उस कुश्ती को देखने के लिए तो मथुरा के बहुत लोग आए थे, वहाँ स्त्रियाँ भी आई थी। अब स्त्रियाँ देखी कि कृष्ण बलराम को युद्ध के लिए मुष्टिक और चारू से भिड़ाया गया, तो स्त्रियाँ आपस में बात करने लगी कि यह तो बहुत बुरा हो रहा है। वो दिखा रही हैं कि देखो ये कितना भारी अन्याय है कि नाप्त जौवनौ, ये जो बच्चे हैं अभी युवावस्था को भी नहीं प्राप्त, अभी तो किशोरावस्था के 11 साल की अवस्था के, और ये जो पहलवान हैं वो उनका साइज तो पहाड़ जैसा है और उनके अंग तो वज्र के समान, फौलाद के समान कठोर है, तो यह तो बहुत भारी अन्याय हो रहा है।
क्योंकि कुश्ती का नियम है कि जोड़ी में कुश्ती कराया जाता है, कुश्ती चलता है। हम लोग तो विश्वविद्यालय में थे तो वहाँ भी कुश्ती का आयोजन करता होता था। और बहुत आश्चर्य की बात है कि ला कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनके साथ पढ़ने वाले उस समय चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस बाद में चीफ जस्टिस भी बने, वो साथ पढ़ने वाला व्यक्ति वो कुश्ती कराते थे, बिजावत जी कुश्ती कराते थे। लेकिन कुश्ती का नियम है कि वेट देखते हैं, अब कोई 60 किलो का है तो 62 किलो 58 किलो ऐसे उस रेंज में कुश्ती कराया जाता है। लेकिन मथुरा की स्त्रियां देख रही हैं कि यहाँ तो कोई समानता नहीं है किसी भी दृष्टि से, ये तो वज्र के समान कठोर है और कृष्ण बलराम का शरीर बिल्कुल सुकुमार है और वजन देखा जाए तो पहाड़ के समान है और ये बिल्कुल किशोरावस्था के हैं। तो कहने लगे कि हाय रे दुर्भाग्य, एक तो बहुत दिन के बाद कृष्ण बलराम का दर्शन हुआ और लेकिन कुसमय में दर्शन हुआ। वे दिखा रहे हैं कि देखो वो बलराम जी का जो मुख है इतना परिश्रम के चलते तांबा के समान लाल दिख रहा है, और कृष्ण को दिखा रही हैं कि देखो इस कुश्ती में उनको इतना श्रम करना पड़ रहा है कि उनके गाल पर वो श्रम बिंदु मैंने पसीना ढरक रहा है। वे कहने लगे कि बहुत खराब जगह, एक तो कृष्ण का दर्शन बहुत देर से हुआ और दर्शन भी हुआ तो बहुत अनुचित समय में, ये मथुरा बहुत बुरा नगर है और हम लोगों को तो इस सभा से निकल जाना चाहिए। क्योंकि धर्म का सिद्धांत है कि जहाँ कुछ अन्याय हो रहा है और अन्याय का व्यक्ति प्रतिकार नहीं कर रहा है, यहाँ वहाँ से दूर नहीं हट रहा है, तो अन्याय का दोष उस पर भी लगेगा। वो मथुरा की स्त्रियाँ कह रही हैं कि हम लोग तो प्रतिकार नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो है कि हम लोग यहाँ से हट जाएंगे। तो निर्णय ले रही हैं कि यहाँ रहने लायक नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत भारी अन्याय हो रहा है। और कह रहे हैं कि इतना हमारा दुर्भाग्य है कि कृष्ण का दर्शन विलंब से हुआ और दर्शन हुआ भी तो बहुत खराब स्थिति में, और तुलना कर रही हैं कि वृंदावन कितना अच्छा है। वृंदावन तो भगवान ठुमुक ठुमुक करके चलते हैं और बंसी बजाते रहते हैं, वहाँ कितना सुख में रहते हैं, और मथुरा आते ही कितना भारी प्रेशर में पड़ गए, कितना भारी दबाव में पड़ गए। तो मथुरा बहुत बुरा स्थान है। और उसी क्रम में अब ब्रज के गोपियों की महिमा गा रही हैं कि गोप्या तपह किम चरण यदमुष्य रूपम लावण्य सार मसमूर्ध मनन्य सिद्धम। यानी कि गोपियाँ कितना भाग्यशाली हैं कि इस रूप का दर्शन करते अनुसवम दोनों समय। पर रूप के विषय में कह रही हैं कि लावण्य सारम, ये साधारण लावण्य नहीं है, लावण्य का सार है, इसेंस है। भाई लावण्य क्या होता है, सौंदर्य को लावण्य कहते हैं, लेकिन अब शब्द के अनुसार इसका अर्थ करें तो लुई छेदने धातु होता है, इससे लावण्य बना। तो लावण्य का अर्थ है कि जो चित्त को अभिभूत कर दे। कभी कभी किसी के रूप को देख करके हमारा चित्त उसी पर न्यौछावर हो जाता है, अभिभूत हो जाता है। तो लावण्य शब्द का यही अर्थ है कि जो किसी को पराभूत कर दे, किसी के छेद को, किसी के चित्त को काट दे। वो कह रहे हैं कि लावण्य सारम असमूर्ध मनन्य सिद्धम, ऐसे रूप के समान तो कोई दूसरा नहीं है, अधिक होने की तो कोई बात ही नहीं है। और इस रूप की महिमा, इस सौंदर्य की महिमा है कि अनन्य सिद्धम,
कभी कभी सौंदर्य नहीं है, बहुत अधिक सौंदर्य नहीं है, लेकिन कुछ कुछ उपाय है कि उसका अवलंबन करके व्यक्ति अपने रूप में निखार ला देता है। कुछ लेप है, उसको लगाने से वो रंग तक के बदला बदला दिखता है। रंग बदलता नहीं है, लेकिन दिखने में तो कम से कम बदल जाता है। बहुत बहुत इस पर लोग खर्चा करते हैं, खास करके स्त्रियां थोड़ा सा अपने कलर को चेंज करने के लिए बहुत बहुत पैसा खर्चा करती है और परिवर्तन हो जाता है। अब रंग काला है, लेकिन थोड़ा थोड़ा गोरा जैसा, गोरा तो नहीं, गोरा जैसा दिखने लगता है। हम इस बात का अनुभव किए कि रंग कितना बदल जाता है। एक माता जी आई थी गुरु महाराज के यहाँ मिलने के लिए, तो स्त्रियों में स्वाभाविक प्रवृत्ति है, कुछ अपने को सजाती हैं, तो काले रंग जो स्त्री है अब ऐसा कुछ लेप की थी कि वो गोरे रंग का गोरे जैसा दिख रही थी, लेकिन उसे भूल क्या हुई थी कि वो कान पर वो लेप नहीं चढ़ा पाई थी। अब तो हम जब कान देखे तो अब हमको अंतर स्पष्ट समझ में आ रहा था। जैसे बहुरूपिया का रूप लगता है वैसे लग रहा था। लेकिन भगवान के रूप के विषय में कह रहे हैं कि अनन्य सिद्धम। वो किसी उपाय से निखार नहीं लाया गया और कह रहे हैं कि दृग्भि पिबंत्य अनुसवा भी नवम दुरापम एकांत धाम जस सह श्री ऐश्वरस्य। उनका कितना भारी सौभाग्य है कि इस रूप का दोनों टाइम पान करती अनुसवम। और इसी क्रम में कह रही हैं कि या दोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखेंख नार्भरुदिते क्षण रुदितोक्षण मार्जनाद गायन्ति चनुरक्त गायन्ति चैन मनुरक्त ध्रियो श्रुकंठ्यो धन्या ब्रज स्त्रिय उरुक्रम चीतया। कह रहे हैं कि ब्रज की स्त्रियां धन्य हैं। वे क्यों ऐसा कह रही हैं कि या दोहने, वो ब्रज की स्त्री हैं, गांव की स्त्री हैं, और उनका वृत्ति, उनके परिवार की वृत्ति तो खेती है और पशुपालन है, तो स्वाभाविक है कि रोज उनको गाय दुहवाना पड़ता है। खुद वे दुहती हैं या दुहवाती हैं, तो कहें कि दोहने, गाय का दोहन करते समय अवहनने, और रोज ढेंकी चलाना है, ढेंकी में धान कूटते समय, चाहे वे उखल में कूट रही हो या ढेंकी से कूट रही हो, अवहनने। और मथन, वो दधि मथना है, और मथनों उपलेप आंगन पोतना है, ये तो रोज का काम होता है ग्रामीण संस्कृति में, रोज का कार्य है। और प्रेंखांख नार्भरुद तो क्षण मार्जना दो, ये बच्चे रो रहे हैं तो पलना डुला रही है, या कुछ पौधे हैं तो उसका सिंचाई कर रही है, या झाड़ू लगा रही है, और कोई भी कार्य कर रही हैं तो गायंती, वे गान करती हैं। वो गान कैसे करती हैं? अनुरक्त ध्रिय, क्योंकि उनका मन अनुरक्त है, अनुरक्ति का प्रभाव है कि वे गा रही हैं। अरे भी ये कैसे आपको पता चल गया कि वे अनुरक्त हैं? तो कह रहे हैं कि अश्रुकंठ, क्योंकि उनका कंठ गदगद है। जब चित्त में अनुराग होता है तो अश्रु आते हैं, तो कुछ अश्रु तो आंख से निकलते हैं और कुछ अश्रु गला के तरफ भी चले जाते हैं। तो कह रही हैं कि अश्रुकंठ, वे जो गान कर रही हैं तो गान के आवाज से पता चल रहा है
कि उनके कंठ में अश्रु भर गया। ओ, उनका कंठ अश्रु से पूरित है तो कह रहे हैं कि धन्य, वे धन्य है। और वास्तव में थोड़ा विचार कीजिए कि जो सर्वोच्च स्तर की भक्त हैं और उनका जीवन क्या है, वे गृहस्थी में है और गृहस्थी का काम करते हुए भक्ति कर रही है। भक्ति के लिए बहुत बहुत तैयारी की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति जिस स्थिति में है वहीं भक्ति कर सकता है। और वास्तव में जो यह प्लान कर रहे हैं कि इस स्थिति को बदल करके भक्ति करेंगे, तो यह अच्छा लक्षण नहीं है, यह विद्वान का लक्षण नहीं है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि विदुषाम किम अपेक्षितम, जो विद्वान है तो किसी परिस्थिति की अपेक्षा नहीं करते, जिस परिस्थिति में है तो उसी में भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा हो जाएगा तब हम भक्ति करेंगे। हम लोग कभी कभी प्रीचिंग के लिए जाते हैं, हम लोग कहते हैं साधु जी हमारो इच्छा व भक्ति करे के, हमारी भी इच्छा है भक्ति करने की। अब एक ही है, हमारे लड़के को कहीं नौकरी दिला देते तो हम लोग भी भक्ति ही करते। लेकिन विद्वान का लक्षण दिया गया है क्योंकि किसी परिस्थिति का अपेक्षा नहीं करता, जिस परिवेश में है, जिस परिवार में है, वहीं भक्ति प्रारंभ कर देता है। और भक्ति प्रारंभ करने से, भक्ति के प्रभाव से अनुकूल परिस्थिति आती रहती है। और जो ब्रज की स्त्रियां हैं और उनके अश्रु के आधार पर उनको धन्य कहा जाता है, उनके चित्त में कृष्ण बसे हुए हैं। और मथुरा की स्त्रियां उनकी प्रशंसा कर रही हैं कि रोते हुए गाती रहती हैं। और एक ग्रंथ है वृंदावन महिमामृत, और उसमें तो बहुत बहुत जगह पर ये स्पृहा की गई है कि कब वह अवसर आएगा कि वृंदावन में रोते हुए डोलूंगा। जो वृंदावन में रह रहे हैं वो क्या आदर्श है, किस किस व्यवहार की अपेक्षा रखी जाती है, और इसको कई एक श्लोक में कहा गया। जैसे एक श्लोक है, क्रंदन नार्त स्वरेण क्षितिशु परिलुठन सन्नमन प्राण बंधु, करें कि आर्त स्वर में चिल्ला रहा है और क्षितिशु परिलुठन और धरती पर लौट रहा है और सन्नमन प्राण बंधु, अपने प्राण बंधु कृष्ण को नमस्कार कर रहा है और नमस्कार करते हुए अपने दांत में तीर ले करके अनु करुणा दृष्टि काकुकोटि, दैन्य भाव से कृष्ण के अनुकूल दृष्टि के लिए करोड़ों करोड़ों विनती कर रहा, दीन वचन बोल रहा। और तिष्ठन नेकांत वृंदा विपिन तरुतले सभ्य पांडव कपोलम, और कभी कभी वृंदावन के किसी वृक्ष के नीचे बैठा है एकांत में, और अपने बाएं हाथ पर अपने गाल को रखा है और अश्रुणि एव मुंचन नयति दिन निशाम कोपी। यदि कोई ऐसा है कि शोक के मुद्रा में बैठ करके और रात दिन अश्रु विसर्जित करते हुए अपना समय बिता रहा है, अश्रु विसर्जित करते हुए अपना दिन रात बिता रहा है, तो धन्यो अति अनन्य, यह अनन्य व्यक्ति भक्त अति धन्य, अति धन्य। जो अति धन्य बनाने वाले कारक हैं तो उसमें एक कारक है अश्रु, रोना। प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती थी
कित्तुस प्रेम, ये चुपचाप है, लेकिन प्रेम उनका इतना स्थिर है कि आंख आधा खुला है आधा बंद है और उससे पानी भरा हुआ अश्रु निकल रहा है। ओ, यह बहुत अच्छी स्थिति है, यानी कि मुंचन शोकाश्रुधारा सततम और अरुचिमान ग्रास मात्रे ग्रहेपि। वृंदावन में कोई कोई भक्त हैं कि भोजन में उनका आग्रह नहीं है। अरे भोजन तो पहले से ही कम हो गया, थोड़ा सा खाते हैं लेकिन उसमें भी आग्रह नहीं है, लेकिन मुंचन शोकाश्रु धारा सततम, लेकिन उनके आँखों से सतत अश्रु की धारा बह रही है। और कह रहे हैं कि कोपि वृंदावन स्थित, और भी गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि कोई कोई ऐसे वृंदावन में स्थित है, और यह कोई कल्पना की बात नहीं है। हम लोग तो आज भी प्रकट देखते हैं कि बहुत सारे संत हैं कि उनका अधिक समय रोने में ही व्यतीत हो रहा है। हम तो प्रकट अनुभव किए हैं कि कई कुछ संत हैं कि गाड़ी में बैठे, रोज का उनका नियम है ब्रज दर्शन का, और गाड़ी में बैठे जे वहीं रिकॉर्डिंग चालू हुई और कोई भी बात आ गई भगवान की कृपा के या भक्तों से घनिष्ठ संबंध के या भक्तों के पुकार के, तो अब अश्रु गिरना प्रारंभ हो जाता है। और घंटा डेढ़ घंटा जो भी समय लगता है, दो घंटा, तो उसमें तो अधिकांश रोने में ही बीतता है। तो रोना बहुत शुभ लक्षण है, यह प्रेम के नज़दीक पहुंचाता है, या प्रेम हृदय में है तभी अश्रु के धारा आते हैं। तो प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि कभी कभी यह स्थिति हो जाती थी, एकदम चुपचाप है लेकिन आंख से अश्रु बह रहे हैं। अब और कह रहे हैं कि स उत्तम श्लोक पदा रविंदयोर निसेवया किंचन संग लब्धया तन्वन पराम निर्वृत मात्मनो मुहुर दो संग दीनस्य मन समम व्यधात। अरे के उत्तम श्लोक पदारविंदयो निसेवया, भगवान उत्तम श्लोक के चरण युगल के सेवन से, उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक, श्लोक मतलब जस, तो अच्छे अच्छे श्लोकों में जिनका जस है उसको उत्तम श्लोक कहते हैं, या उत्तम ही जो अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं और है, उनके जस का गान करते हैं, या एक अर्थ है कि उत्तम श्लोक जिनके जस की यह महिमा है, उसका यह प्रभाव है कि व्यक्ति को उत्तम माया बंधन से ऊपर उठा देता है। और जो उत्तम श्लोक पदा रविंदयो निसेवया, भगवान उत्तम श्लोक के चरण युगल के निसेवन से, अरे निसेवन की प्राप्ति कैसे हुई, अकिंचन संग लब्धया, जो अकिंचन भक्त हैं तो उनके संग से भगवान के चरणों की सेवा की प्राप्ति हुई, उसके निसेवन की प्राप्ति हुई। अकिंचन भक्त अर्थ किया गया है कि जो किसी प्रपंच में नहीं है, चलो प्रभुपाद जी लिखे हैं कि जिनको सांसारिकता से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे नारद इत्यादि भक्तों के संग से भगवान का सेवन मिला, भगवान का अनुभव कर रहे हैं, उनका स्पर्श कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या हो रहा है कि तन्वन पराम निर्वृत्ति, प्रहलाद महाराज अपने आनंद को और अधिक अधिक बढ़ा रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं। तन्वन, तनु विस्तारे, ये विस्तार कर रहे हैं किस चीज का, निर्वृत्ति।
अपने आनंद का, ये आत्मा के आनंद का, ये अपने आनंद का। आत्मन निर्वृतिम, निर्वृत्ति का अर्थ होता है भीतरी आनंद। वो भगवान का निसेवन करके, उनका, उनके स्पर्श का अनुभव करके, उनके सानिध्य का अनुभव करके प्रहलाद महाराज परम सुख का अनुभव कर रहे हैं, परम सुख का विस्तार कर रहे हैं। वास्तव में भगवान के अनुभव से जो सुख प्राप्त होता है तो वैसा सुख दूसरे चीज से नहीं प्राप्त होता है। ध्रुव महाराज जब भगवान का दर्शन किए और भगवान अपने गाल, अपने शंख को उनके गाल में छुआए तो परात्म निर्णय, ध्रुव महाराज को सब बातों का निर्णय हो गया, पर अवर का निर्णय हो गया और भगवान की स्तुति करने लगे। तो उसी क्रम में कह रहे हैं कि या निर्वृतिस्तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानात्, कि जो सुख, जो भीतरी आनंद आपके चरण के ध्यान से प्राप्त होता है, या भवज्जन कथा श्रवणी नवा, या आपके भक्तों के मुख से कथा सुनने में प्राप्त होता है। दो चीज दे रहे हैं, भगवान के चरणों का ध्यान करने से या भगवान के भक्तों के मुख से कथा सुनने में। या अर्थ किया गया भवज्जन कथा श्रवणे नवा, आपके भक्तों की कथा सुनने से। वास्तव में जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं और उनके कथा श्रवण में भी बहुत आनंद आता है, वो भगवान के चरणों का ध्यान करने से या भगवान की कथा सुनने से या भगवान के भक्तों की कथा सुनने से, या निर्वृत्ति तनुभृता, जो देहधारी हैं तो उनको जैसी सुख, जैसे सुख का अनुभव होता है तो वह सुख ब्रह्म निर्वाण में भी नहीं है। स्व महिमनि, यानी कि यदि सुख का तारतम्य स्थापित किया जाए तो सबसे ऊपर मोक्ष का सुख माना जाता है, ब्रह्म निर्वाण का सुख माना जाता है, कि उसके बराबरी कोई सुख नहीं है। लेकिन ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि जो आपके चरण के ध्यान से सुख है तो वैसा तो ब्रह्म निर्वाण में भी सुख नहीं है। अब ब्रह्म निर्वाण में सुख नहीं है तो फिर स्वर्ग इत्यादि की क्या बात किया जाए, उस स्वर्ग प्राप्त होने से वैसा सुख मिल जाए, ये तो सोचा ही नहीं जा सकता। या निर्वृतिस्तनुभृता तव पाद पद्म ध्यानात भवज्जन कथा श्रवणे नवास्यात्, ओ स्वमहिमने ब्रह्मणि नाथ मा भूत, वैसा तो ब्रह्म निर्वाण में भी नहीं। किन्त्वासि लुलितात पततम विमानात, फिर जो काल रूप तलवार के द्वारा काटे जाते हैं, उनका विमान गिर रहा है, जो स्वर्ग से पतित होने वाले हैं तो उनके सुख के तुलना की तो कोई बात ही नहीं है। तो प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि तन्वन पराम निर्वृतिम, अपने आनंद का विस्तार कर रहे हैं, और मोह दोसंग दीनस्य मन समम व्यधात, और जो व्यक्ति निरंतर असत संग के चलते बहुत संताप अनुभव कर रहा है, बहुत दीनहीन हो गया है और बहुत बंधन में पड़ गया है, लाचार हो गया है, वो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का भी मन समम व्यधात, उनके भी मन को शांति प्रदान किए। तो प्रहलाद महाराज भगवान की भावना में निमग्न है तो उनका भी सुख बढ़ रहा है, परम सुख की प्राप्ति कर रहे हैं, और उनके प्रभाव से जो दुःसंग से, असत संग से बहुत लाचार स्थिति में है, बहुत निराशा अनुभव कर रहे हैं,
बहुत जलन महसूस कर रहा है, तो उनके भी मन को शांति प्रदान किए। देखिए भक्ति की यही विशेषता है, भक्ति करने पर भक्ति करने वाले को भी आनंद मिलता है और उसका ऐसे परमाणु विकिरण, उसके परमाणु का विकिरण होता है, विकिरण होता है कि जो आसपास वाले हैं तो वे भी शांति महसूस करते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि जेनार्चितो हरिष्ते न तर्पितानि जगन्त्यपि, जो व्यक्ति भगवान हरि की अर्चना कर रहा है तो यही समझिए कि सारे संसार को तृप्त कर दिया। रंजयन्ति जन्तवस्तत्र जंगमस्थावरा अपि, कोई ठीक ढंग से भगवान की भक्ति कर रहा है, अकिंचना भक्ति कर रहा है, शुद्ध भक्ति कर रहा है, तो उसका प्रभाव होता है कि रंजयन्ति जन्तवस्तत्र, भजन करने वाले के आसपास जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। जंगम स्थावरा अपि, केवल जंगम प्राणी की बात नहीं है, स्थावर प्राणी भी सुख अनुभव करते। कहीं कीर्तन हो रहा है तो कीर्तन करने वाले तो सुख का अनुभव करते ही हैं, गाने वाले सुख का अनुभव करते हैं, और जो व्यक्ति उस कीर्तन के संपर्क में आता है तो वह भी प्रसन्न हो जाता है, वह भी सुखी होता है। इसमें भेद नहीं है, वो हो सकता है कि जंगम प्राणी, जंगम प्राणी जैसे मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जो अपना स्थान बदलते रहते हैं, चलते फिरते हैं, तो उनको जंगम कहा जाता है। और कुछ कुछ प्राणी हैं स्थावर हैं, अपना स्थान नहीं बदल सकते, लेकिन भगवान की भक्ति की जा रही, भगवान को संतुष्ट किया जा रहा है और उसके प्रभाव से सारा संसार संतुष्ट हो जाएगा। और आसपास के जो भी प्राणी हों, चाहे स्थावर या जंगम, सब संतुष्ट होते, ये भक्ति का प्रभाव है। देखिए श्रील प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु के आमुख में इस बात को बड़ा जोर दे करके समझाए, इस संसार की स्थिति को बतला रहे हैं कि व्यक्ति सुख चाह रहा है और जो उसका डिजायर्ड सुख है, जिसको चाह रहा है, तो उसको प्राप्त भी कर लेता है, लेकिन उसमें वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। इसको सिद्धांत दिए हैं भोग और त्याग। बहुत बहुत प्रयास करके व्यक्ति भोग करता है, कितना कितना प्रयास करके दुकान खोला है और दुकान के लिए दिन दिन भर परिश्रम करता है, किससे किससे संपर्क करता है, एकदम समय से पहुंच जाता है, दिन भर वहीं रहता है और बहुत अपने को सफल महसूस करता है। लेकिन अब शनिवार को रविवार को फोन स्विच ऑफ कर देता है, अरे भाई उसी से संतुष्टि है तो अब संडे को क्या हो गया, अब संडे को बोल के जंगल में जाना चाहता है, दुकान से दूर, और वहाँ पिकनिक मनाता है, वहाँ बड़ा सुख अनुभव करता है, अरे भाई वहाँ सुख है तो उधर ही रह जाए, लेकिन ना फिर मंडे को इधर। भोग और त्याग, इसका कारण क्या है, ये जो उपयुक्त विषय है उसकी प्राप्ति नहीं हुई। देखिए हम तो इस बात को थोड़ा दूसरे ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों के शब्द में कोई कोई घाट होता है, जैसे कुछ हुक करना है, कुछ डालना है, तो जब तक वो घाट पर नहीं पहुंचता है वो स्थिर नहीं रहता है।
जैसे धूरा डालना है, कुछ डालना है, तो कहते हैं टेम्पर रह गया। अब वो टेम्पर रह गया तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस करेगा। जब जो उसका ओरिजिनल पोजीशन है जहाँ उसको फिट बैठना चाहिए, अब उसमें पहुँच गया तब डिस्टर्बेंस नहीं है। जो एप्रोप्रिएट पोजीशन है, जैसे मान लीजिए कि आपको वोल्ट कहीं डालना है, तो जब तक एप्रोप्रिएट पोजीशन पर नहीं डाले तब तक वो लोहार चढ़ेगा ही नहीं। अब थोड़ा सा हलचल होने पर फिर वो ढीला हो जाता है। तो ये जो मन है वो कुछ अन्वेषण कर रहा है। कुछ लोग वो मन से बड़ा क्षुब्ध होते हैं कि स्थिर नहीं है, लेकिन एक दूसरे साइड पर विचार कीजिए कि भाई मन कितना सहायक है। यह अपना एकदम संकल्प लेकर के रखा है कि जब तक अपने एप्रोप्रिएट पोजीशन पर नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक स्थिर नहीं रहूंगा। आखिर किसी को खोज रहा है ना, और जब तक वहां नहीं पहुंचेगा स्थिर नहीं रह सकता। इससे तो प्रेरणा लेने की जरूरत है। तो मन कुछ खोज रहा है, और जब तक वह जगह नहीं मिलेगा तब तक शांति का अनुभव नहीं, खुद उसको भी शांति नहीं, दूसरे को भी नहीं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का वो एक प्रीति का विषय है। जीवात्मा में प्रेम करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, सेवा करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन गलत जगह उसको फिट करेंगे तो उसमें अस्थायित्व नहीं रहेगा। जब तक उसका घाट नहीं मिलेगा, एप्रोप्रिएट पोजीशन नहीं मिलेगा, तब तक वो फिट नहीं बैठेगा। और देखिए, सेवा करने की प्रवृत्ति है, इसी में संतुष्टि है। कोई भी गृहस्थ व्यक्ति है वो दिन भर परिश्रम करता है, कितना कितना टेंशन में उसका दिन बीतता है, लेकिन कुछ अर्जन करके लाया, अपने पत्नी को देता है, अपने पुत्र को देता है, तो उसमें एक संतुष्टि महसूस करता है। संतुष्टि जरूर महसूस कर रहा है, लेकिन अब यह संतुष्टि कब तक रहेगा? वो संतुष्टि कुछ देर तक महसूस करता है, और कुछ देर के बाद तो उसी पर बहुत रंज हो जाता है। देखिए, ये संसार की स्थिति है कि व्यक्ति पत्नी से प्रेम करता है, सब कुछ उसको देता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि पत्नी से बहुत रंज, भोजन पानी का त्याग। अब भोजन पानी का त्याग किया, अपने घर का भी त्याग कर देता है। किससे रंज होकर के? अपने पत्नी से रंज होकर के, अपने बेटे से रंज होकर। यदि पत्नी से रंज होकर के गया, बहुत भारी वैराग्य ले लिया, लेकिन वैराग्य कितना दिन टिकेगा? दो दिन, तीन दिन, एक सप्ताह। अब इसके बाद कोई कॉल भी नहीं गया, लेकिन स्वतः लौट करके आ जाता है। अब सौ लौट करके आ जाता है तो कहता क्या है? पत्नी से रंज होकर के गया, वो पूछते है कि आ गई ल, अरे हम यहाँ आए होते तुम्हारा मुंह देखते, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका मुंह देख करके आ गया, नहीं तो तुम्हारा तो मुंह नहीं देखता। वो जो दूगो पिलुआ बड़ा सुनवाई खाती ना आ गई। और यदि बच्चों से रंज होकर के गया है, अब बच्चे से रंज होकर के गया तो बच्चों को कहाँ फिकर है, लेकिन अब कुछ दिन के बाद तो आते हैं, अब पूछने पर आ गए लौट करके, अरे हम क्या कहें, एकदम नहीं आते, उन लोगों का तो ऐसा व्यवहार है, लेकिन अब बुढ़िया को देख करके आ गया, उसको अब उसको छोड़ करके कैसे चले जाए। देखिए, व्यक्ति प्रेम करता है, सुख अनुभव करता है, लेकिन इसमें अस्थायित्व तो नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे
फिर भी अस्थायित्व क्यों नहीं है? हम लोग कहें तो झगड़ा नहीं होता है, हम लोग तो एक रस बने हुए। अरे कितना दिन एक रस बने रहोगे? शरीर के अंत होते सब संबंध खत्म। वो इस संसार का जो संबंध क्षणिक है, जो यहाँ की संतुष्टि है वो अभी क्षणिक है, और जिससे संबंध है तो उस वही व्यक्ति संतुष्टि अनुभव करता है। बल्कि कोई खूब अच्छा से दाम्पत्य जीवन बिता रहा है, किसी के परिवार में बहुत शांति है, तो बगल वाले तो कुढ़ने लगते हैं, वे बहुत सुख अनुभव नहीं करते। लेकिन कोई भगवान से प्रेम किया तो उसका नाश नहीं हो सकता। कोई मान लीजिए कि अवरोध भी आ गया तो फिर भी नाश नहीं होगा। ये परिवार का जो संबंध है तो इसमें कुछ बाधा न पड़े, लेकिन फिर भी शरीर के अंत के साथ सब कुछ अंत हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। लेकिन भगवान के साथ जो प्रेम है, ये संबंध है, तो मान लीजिए कि कुछ उसमें बीच में अवरोध भी आ गया, लेकिन जितना संबंध स्थापित किए, जितना प्रेम बढ़ाए, तो वह नष्ट होने वाला नहीं है, फिर आगे अवसर मिलेगा। और इसलिए संसार के प्रेम और भगवान के प्रेम में बहुत भारी अंतर, इस दृष्टि से भी। और एक और दृष्टि है कि यदि भगवान से हम प्रेम करते हैं तो भगवान भी संतुष्ट होते हैं, हम भी संतुष्ट होते हैं, और आसपास वाले भी संतुष्ट होते हैं। तो यह भक्ति का सिद्धांत है। तो प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि स उत्तम श्लोक पदारविंदयोर निसेवया किंचन संग लब्धया तन्वन पराम निर्वृतिमात्मनो मुहु दो संग दीनस्य मन समम व्यधात। प्रहलाद महाराज कृष्ण भावना से कृष्ण के विषय में चिंतन करके, उनका स्पर्श करके खुद अपने आनंद का विस्तार कर रहे थे, और जो आसपास के थे जो बहुत जलन महसूस कर रहे थे दुसंग के कारण, बहुत निराशा महसूस कर रहे थे, वो वैसे व्यक्ति के भी मन को शांति प्रदान कर रहे थे। वो प्रहलाद महाराज की स्थिति है कि खुद आनंदित है, दूसरे को भी आनंद दे रहे हैं, लेकिन तस्मिन महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकश्यपुराजन अकरोद अघ मात्मजे। प्रहलाद महाराज का यह व्यक्तित्व है, लेकिन हिरण्यकश्यपु ऐसा व्यक्ति है कि ऐसे महाभागवत से भी द्वेष किया, उनको मारने का प्रयास किया। अब इस बात को सुन करके युधिष्ठिर महाराज का फिर धैर्य खत्म हुआ, यद्यपि पहले पूछ चुके हैं, लेकिन महाराज प्रहलाद महाराज के गुण का श्रवण किए तो प्रहलाद महाराज के व्यक्तित्व का उनको अब एक नया अनुभव हुआ, और बहुत आश्चर्य के साथ प्रश्न कर रहे हैं कि अरे देवर्षि, हम जानना चाहते हैं कि अपने पुत्र से वे क्यों द्रोह किया, जो इतने बड़े भागवत हैं, जो अपने शांति को प्राप्त कर रहे हैं, दूसरे को शांति दे रहे हैं, कोई उद्वेग नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, तो ऐसे शुद्ध पुत्र के प्रति क्यों वह पाप किया, क्यों उनको मारने का प्रयास किया। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि पुत्रान विप्रतिकूलान पुत्रान विप्रतिकूलान सो क्या है प्रतिकूलान क्वान पितरह पुत्र वत्सला उपालभन्ते शिक्षार्थ नैवाघ मपरो यथा। कोई कह सकता है कि भाई पुत्र पर तो पिता अपना अधिकार मानता है, उसको डांट डपट करता है, उसको मारपीट करता है, ये कौन सी नई बात है। तो कह रहे हैं कि अरे ऐसा विप्रतिकूलान, जो प्रतिकूल पुत्र है,
जो मर्यादा का उल्लंघन करता है, तो वैसे पुत्र को भी पिता शिक्षा के लिए डांट डपट करता है, शिक्षा के लिए डांटता है, मारने का तो प्रयास नहीं करता है, उसको मारता तो नहीं है। तो किमता नु बसान साधुन तादृशान गुरुदेवतान एतत् कौतूहलम ब्रह्मन अस्माकं विधम प्रभु। अरे कि जो बिल्कुल अनुकूल है और साधु स्वभाव का है, और उसको भी मारने के लिए प्रयास किया गया, क्यों किया गया, ये बहुत भारी कौतूहल है। हमारे कौतूहल को शांत करने का प्रयास कीजिए। और इस प्रकार महाराज प्रहलाद के गुण को सुन करके परीक्षित महाराज पुनः प्रश्न कर रहे हैं, नहीं युधिष्ठिर महाराज पुनः प्रश्न कर रहे हैं, और इसका उत्तर नारद दिए हैं। उत्तर के क्रम में ही प्रहलाद महाराज के कई एक प्रभावों का भी उल्लेख है। तो कल के सत्र में हम लोग प्रहलाद महाराज के कुछ कुछ प्रभाव पर विचार करेंगे। हरे कृष्ण।